हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर के आ गया हूँ। ये पहला पार्ट है जो कि होने वाले एग्जाम रेलवे एसएससी जीडी, रेलवे एसएससी जीडी, कांस्टेबल जीडी एग्जाम हो गया, पुलिस एग्जाम, कांस्टेबल पुलिस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माने जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी मेरे द्वारा बनाए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है माने प्रश्न संख्या 76 से 78 के लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब जो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, दिए गए हैं, उसमें से आपको खाली स्थान वाले जगह में भरना है। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गुरुजनों की डैश नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, गुरुजनों की क्या नहीं करनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपेक्षा। गुरुजनों की जो है उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा एक डैश रोग है। तो आपको इसमें बताना है कि जो हैजा है वो किस प्रकार का रोग है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो हैजा एक संक्रामक रोग है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग आस्तिक होते हैं और कुछ डैश। तो आपको इसमें बताना है कि खाली वाले स्थान में क्या भरा जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नास्तिक। कुछ लोग आस्तिक होते हैं और कुछ लोग नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे डैश पीछे खाई मुहावरे के लिए रिक्त स्थान पर सही शब्द होगा। तो ये जो है एक मुहावरा है और इसमें खाली स्थान में क्या भरा जाएगा ताकि मुहावरा जो है ठीक हो सके। तो आगे कुआं पीछे खाई, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आगे कुआं पीछे खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है। तो आपको इसमें बताना है कि हाथ पसारना माने क्या होता है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मांगना। हाथ पसारना मतलब मांगना होता है, किसके आगे हाथ पसारना मतलब मांगना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तीन का लोकोक्ति का सही अर्थ है। आपको इसमें बताना है कि चोर की दाढ़ी में तीन का लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा है क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चोर का स्वयं डरना। चोर जब आप अपनी दाढ़ी में तीन का करता है, दाढ़ी पकड़ता है, खींचता है, तो चोर जो है वो स्वयं डरा हुआ है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 से 84 के लिए यहां पे निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में चार चार शब्दों के समूह हैं, प्रत्येक में एक शब्द पर्याय नहीं है, इसका चयन करना है। मतलब चार ऑप्शन दिए गए, उसमें से एक शब्द जो है पर्याय नहीं है, मतलब पर्यायवाची जो है वो शब्द नहीं है, उसका चयन करना है। तो प्रश्न है हमारा तारा। इसमें आपको बताना है कि तारा का पर्यायवाची जो है वो कौन सा नहीं है। तो तारा का पर्यायवाची अंबु जो है नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अंबु माने होता है जल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अंबु माने होता है जल। और बाकी ये सब जो है ये तारा का पर्यायवाची है, तो आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। आपको इसमें बताना है कि बेटा का पर्यायवाची क्या होगा, क्या नहीं होगा, सॉरी। इसमें आपको बताना है कि बेटा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्रज। बेटा का पर्यायवाची अग्रज नहीं है। अग्रज माने होता है बड़ा भाई, क्या होता है, अग्रज माने बड़ा भाई होता है, और बाकी सब बेटा का पर्यायवाची है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य। इसमें आपको बताना है कि मनुष्य का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिपाल। महिपाल जो है ये मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है। महिपाल माने होता है राजा, और बाकी ये तीनों जो है मनुष्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा का विलोम है। आपको इसमें बताना है कि आत्मा का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमात्मा। आत्मा का विलोम शब्द परमात्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुज का विलोम क्या होगा। आपको इसमें बताना है कि मनुज का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धनुज। मनुज का विलोम शब्द धनुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोग का विलोम है। आपको इसमें बताना है कि संयोग का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वियोग। संयोग का विलोम शब्द वियोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरन का तत्सम शब्द है, आपको इसमें बताना है कि चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूर्ण। चूरन का तत्सम शब्द चूर्ण होगा। और चर्म माने क्या होता है, चर्म माने चमड़ा, ये चमड़ा का तत्सम है। चक्षु माने क्या होता है, तो चक्षु माने आँख होता है, चक्षु आँख जो है, ये चक्षु का आँख जो है ये पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, आपको इसमें बताना है कि कौन जो है ये तद्भव शब्द है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरज। सूरज जो है ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, आपको इसमें बताना है कि कौन जो है तत्सम शब्द है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख। मुख जो है ये तत्सम शब्द है, मुख का तद्भव होता है मुंह, और कान का तद्भव कर्ण होता है, और जीभ का जिह्वा होता है, और दांत का दंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूज और आगत से शब्द बनेगा, सूज और आगत से जो है कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वागत। सूज और आगत से शब्द बनेगा स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चरित्र का संधि विच्छेद होगा, आपको इसमें बताना है कि सच्चरित्र का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत जोड़ चरित्र। सत जोड़ चरित्र जो है सच्चरित्र का शुद्ध संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कहानियों को कौन कहानीकार नवाब राय के नाम से लिखा करता था। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अपनी कहानियों को कौन जो है कहानीकार पहले नवाब राय के नाम से लिखा करता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो थे वो अपनी कहानियों को पहले प्रारंभ में जो है नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, नवाब राय से लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द है, आपको इसमें बताना है कि अनेकार्थी शब्द जो है वो कौन सा है, जिसके अनेकों अर्थ हैं, माने जिसके अनेकों अर्थ हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काल। काल जो है ये अनेकार्थी शब्द है। काल माने होता है समय, मृत्यु होता है यमराज और अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी जी अंतर्धान अवस्था में है, तो आपको इसमें बताना है कि अंतर्धान जो है वो कौन सा सही लिखा हुआ है, बर्तने की दृष्टि से अंतर्धान जो है वो कौन सा सही लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्धान। अंतर्धान जो है ये सही लिखा हुआ है पूर्ण रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला प्रश्न है, उद्योगीकरण ने समस्याओं को भी जन्म दिया है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा उद्योगीकरण जो है ये सही लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योगीकरण। ये जो ऑप्शन है ये बर्तने की दृष्टि से सही लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतों के कारण तत्कालिक प्रभाव से कक्षाएं बंद कर दी गई, तो आपको इसमें बताना है कि जो तत्कालिक शब्द है ये वो कौन सा सही लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तात्कालिक। ये तत्कालिक जो है ये सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ का स्त्रीलिंग होगा, आपको इसमें बताना है कि सेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो सेठ का स्त्रीलिंग शब्द होता है सेठानी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको जीता ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है, आपको इसमें बताना है कि जिसको जीता ना जा सके के शब्दों के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय। जिसको जीता ना जा सके, अजय वो पराजय नहीं हो सकता, अजय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका इलाज ना हो सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, जिसका इलाज ना हो सके वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त शब्द है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असाध्य। जिसका इलाज न हो सके उसे असाध्य बोलते हैं। तो दोस्तों ये है हिंदी के 25 प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और आगे भी मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।